हाल ही में जून 2022 में एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें 22-23 की खरीफ फसलों की एमएसपी में बदलाव किया गया। ये बदलाव कितना हुआ है और पहले का रेट क्या था, इसको हम थोड़ा इसमें जानने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ने 2022-23 के लिए सभी अधिशेषित खरीफ की फसलों में एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन के तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है। ये कुछ खरीफ की फसलें हैं जिसमें 2021-22 का जो रेट है एमएसपी है वो दिया गया है, और जो चेंजिंग हुई है, जो बदलाव हुआ है 2022-23 का वो दिया गया है, और टोटल में कितने की वृद्धि हुई है वो दिया गया है। तो इसमें जैसे कि हम देखते हैं धान है, तो धान का जो एमएसपी का रेट था वो 2021-22 में 1940 रुपये था, जबकि ये 2022-23 में 2040 हो गया, इसमें टोटल वृद्धि 100 है। और सेकंड धान जो ग्रेड ए का है, ये 2021-22 में 1960 रुपये था, और 22-23 में 2060 इसको कर दिया गया, जिसमें पूरी वृद्धि इसमें जो हुई है 100 की हुई है। और उसके बाद ज्वार है, ये 21-22 में 2738 था, और इसमें जो 22-23 का जो आंकड़ा है उसमें इसको 2170 कर दिया गया है, इसमें टोटल वृद्धि 232 रुपये की हुई है। और जो ज्वार है मलबंदी पहला हाइब्रिड का था, तो इसका जो 21-22 का इसका रेट था वो 2758 रुपये था, और 22-23 में 2190 रुपये हो गया, और इसकी जो टोटल वृद्धि देखी गई है वह 232 रुपये देखी गई है। और उसके बाद अगला आता है बाजरा। बाजरे का रेट जो है वो इसमें जो बाजरा का रेट है 2021-22 में वह 2250 था, और उसके बाद 22-23 में 2350 था, इसकी जो टोटल वृद्धि है 100 है। और उसके बाद आगे आते हैं तो इसके नेक्स्ट नंबर पर है अरहर। तो अरहर का 21-22 में 6300 रुपये था, और उसके बाद 22-23 में 6600 कर दिया गया, इसको टोटल वृद्धि 300 रुपये की हुई है। अगला है मूंग। मूंग का जो 21-22 का रेट है वह 7200, वह जो है 7275 रुपये है, और जो 22-23 में इसकी वृद्धि हुई है, जो इसका नया मूल्य है वह 7755 रुपये है, इसके में जो वृद्धि हुई है वह 480 रुपये की हुई है। और इसमें है आगे इसमें आता है उड़द। उड़द का जो इसमें रेट है वह जो है 63 रुपये है, और उसके बाद जो है 6600 इसको कर दिया गया 22-23 में, और उसमें जो वृद्धि है वह 300 की हुई है। अगला है मूंगफली। मूंगफली का जो रेट था 21-22 में और 5550 था, और 22-23 में इसकी जो वृद्धि हुई है, जो इसका नया वो आया हुआ है एमएसपी, वह 5850 रुपये है। इसमें टोटल पिछली बार की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है 300 रुपये की हुई है। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन का 2021-22 का रेट था 3950, और उसके बाद जो है 22-23 का 4300 रुपया, इसकी जो टोटल वृद्धि थी वह 350 रुपये। अगला आता है मक्का। मक्का का जो रेट था वह 1870 रुपया था, और उसके बाद जो 22-23 का इसका नया मूल्य है वह 1962 रुपये था, इसमें टोटल वृद्धि 92 रुपये की हुई है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा हैं जिसमें से किसी न किसी परीक्षा में एक या दो प्रश्न, इसीलिए इन सारी चीज़ों का हमें कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।